बड़ा सच्चा बिछाकर उससे कालीन बिछा दे। अभी लीजिए बीबी। अभी नहीं, पहले सुनते जो। और तुम सब साथ यूनिफॉर्म पहनकर पार्टी में फिरो, ताकि कोई ये न कहे कि सीमी के नौकर जमीन। मैं कहती हूँ खामोशी से सुनते जो। शेरू देखो कौन आया। क्या बात? सीमी बीबी हैं, क्या काम? उनसे कहिए मैं कार्ड लेकर आया। आज तुम में से किसी ने गलती की तो तुम्हारा हशर उस सोफे वाला होगा। कोई साहब कार्ड्स लेकर आए, उन्हें अंदर भेज दो। और तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कार्ड दिखाइए। ये कार्ड है जी? माय गॉड, ये कार्ड नहीं, मुझे तो पोस्ट कार्ड नजर आ रही है। मैं अपनी सहेलियों को मौत में बाहर की आमद से पार्टी देना चाहती हूँ, और इन कार्ड का मौत में बाहर से दूर दराज का रिश्ता है। ये वजह फरमाया? मैं तो फरमाती हूँ, आप भी तो कुछ फरमाइए। आपने किस खुशी आप किया है? इनका कवर हल्के रंगों में होना चाहिए था मिस्टर। जी बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो कहती ही ठीक हूँ, तुम्हारे भी पल्ले कुछ पड़ा या नहीं, मैं तुम्हारे कारोबार को आग लगा दूँ। देखिए खुदा रहा, ऐसा मत कीजिएगा, आपके डैडी को नुकसान पहुँचे। मेरे डैडी को क्यों पहुंचेगा? मैं तुम्हारे प्रेस को आग लगानी चाहती। लेकिन मैं प्रेस से तो नहीं आया। प्रेस से नहीं आए तो फिर ये कार्ड गलत क्यों छपे? मैं बहुत जल्द जानने की कोशिश करूंगा। कोशिश तो करोगे, लेकिन तुम हो कौन और बिना इजाजत इस घर में कैसे आ गए? मुझे आपने बुलाया है, आपके डैडी ने भेजा है, मुझे तो इस चक्कर का बिल्कुल इल्म नहीं। डैडी ने भेजा है? क्यों भेजा है? गलती से मैं आपके डैडी का पीए। तुम डैडी के पीए इस लिबास में? उफ, मेरे खुदा, डैडी की पसंद को न जाने क्या हो गया है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर आपको मेरी जरूरत हो मदद की तो मैं। मैं इस बेहुदा लिबास में किसी इंसान की मदद गवारा नहीं कर सकती। शराबत इसी में क्या, यहाँ से तशरीफ ले जाइए। ये पार्टी तो मेरे लिए आजाद से रह गई। आप बहुत देर से आई है वैसे। इधर आओ मियां। डैडी। एक मिनट बेटी, वो मिसेज रहमान और अमजद मियां की फैमिली अभी तक नहीं आई, तुमने उन्हें गाड़ी भिजवा दी? जी हाँ। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं, आज की तुम्हारी पार्टी बड़ी शानदार है। मेरे यहाँ की पार्टी कब शानदार नहीं होती? सामान लेने घर भेजा, बस उसी का इंतजार है। और कुछ हिदायत? ठीक है, उनसे मिलना ठीक नहीं, उन्हें बहुत चोटें आई हैं। डॉक्टर, मेरे डैडी बच तो जाएंगे। क्यों नहीं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए। मिस सीमी, बैठ जाएं आप। जी नहीं। अब बैठ जाए। डॉक्टर,
अब आपकी हालत खतरे से बाहर है सेठ साहब। सीमी, सीमी को बुलाओ। मिस सीमी आप अंदर चली जाइए। सब क्या हो गया है डैडी? आप गए क्यों थे? अब मैं ठीक हूं बेटी, परेशान क्यों होती हो? अब तुम मेरे पास ही रहना डैडी। अगर तुम मर गए तो सीमी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाएगी। तुमने उसे इतने लाड प्यार से पाला है, तुम्हारी मौत के बाद सीमी इस दुनिया में तन्हा भटकती रही। कितने पागल हो तुम, तुमने अभी तक सीमी की शादी का सोचा तक नहीं। सीमी, सीमी बेटी, क्या रहते थे? तो तू बिल्कुल अकेली है ना? आप जो मेरे पास है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम अब घर जाओ, रात भर जागती रही हो, थोड़ी देर सो लेना। नहीं डैडी, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ बेटी, मेरी बात भी नहीं मानोगी। हाँ सुनो, शाहिद को मेरे पास भेज देना। सेठ साहब। हाँ, कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। तो फिर इन कारोबारी मामलात की तुम्हें इतनी समझ कैसे है? तो बहुत सारी अच्छी बातें वक्त से पहले सोच लेते हैं। आपके जीने सहाय रहने से इतना कुछ तो सीख ही लिया है। क्या बात है सेठ साहब, तकलीफ ज्यादा तो नहीं? नहीं बेटे, तुम्हारे आने से तो तकलीफ कम हो गई है। मेरा बस चले तो मैं आपके सारे दुख अपनी जान पर ले लूं। नहीं बेटे, हमें तुम्हारी जान की जरूरत है साहब। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल बेबस इंसान हूं। हमें तुम्हारी बेबसी ही की जरूरत है बेटे। बहुत सोच विचार के बाद हमने ये फैसला किया है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी और सीमी के साथ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ साहब? हमने अपनी आरजुओं को बहुत आसान लफ्जों में बयान करने की कोशिश की है। लेकिन सेठ साहब, तुमने कहा था ना, तुम दुनिया में अकेले हो। हमारा भी सीमी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन बेटियां किसी का सहारा नहीं बन सकती, इसीलिए हम तुम्हें अपना बेटा बनाकर
तुम्हारा सहारा लेना चाहते हैं। सेठ साहब, आपका ये खलूस और मोहब्बत मेरी हैसियत से बहुत बढ़कर है, मैं इस काबिल नहीं। कुदरत ने तुम्हें इस काबिल बनाया है, तभी तो हमारे जहन ने भी इस अंदाज में सोचा। ये फैसले इंसानों के किए से नहीं होते बेटे, जिंदगी और रूहों का मिलाप तो कुदरत के फैसले हैं बेटे। क्या तुम इस फैसले को ठुकरा दोगे? मेरी ये मजाल कहां छेड़छाड़। शाबाश, तुमने हमारा मान रख लिया, हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम आज ही सिमी से क्या हुआ बेटी, भाईजान की हालत कैसी है? बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ है हॉस्पिटल में। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कुछ पता नहीं, गाड़ी रेजा रेजा हो गई, ड्राइवर तो वहीं पर मर गया था। ओहो, चलो नहीं, ये नहीं तो मैं कहां चला गया। नहीं, इरशाद अब्बा जान कहां मर गए? जी दरअसल वो मुझे आने ही नहीं दे रही थी। बकवास बंद करो। खैर छोड़िए इन बातों को। हेलो सीमी, तुम कैसी हो? फजूल बातें छोड़ो, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हाँ चलिए बेटा। सीमी तुम नहीं जाओगे? मैं अभी आई हूँ चाचा जान हॉस्पिटल से, थोड़ी देर के बाद जाऊँगा। ठीक है चाचा जान, अब्बा जान आप तशरीफ ले जाइए, मैं सीमी के साथ ही आ जाऊंगा। ये अकेले कैसे आएंगी? मैं चलता हूँ, तुम इसके साथ आ जाना। अच्छा सीमी, एक्सक्यूज मी, वो चले झटक के दामन।